प्रति कोर्ट का खर्चा आएगा। इसमें हमने जो पीठासीन अधिकारी मतलब जो अपर सत्र न्यायाधीश अधिकारी होंगे और जो उनके साथ स्टाफ होंगे उनका एक साल के लिए 63 लाख रुपए खर्च आ रहा है। कोर्ट को हमने अगर बिल्डिंग उपलब्ध नहीं उसको किराए पर लिए जाने के भी प्रावधान किए, इससे तत्काल हम काम शुरू कर सके। प्रतिवर्ष 3,90,000 रुपया हम कोर्ट के लिए किराए भी तय कर दिए हैं। इसके अलावा जो कोर्ट चलाने का खर्चा होता है जिसको ऑपरेशनल कास्ट बोलते हैं, फ्लेक्सी ग्रांट बोलते हैं, वो 8.10 लाख रुपए भी हमने तय कर दिए हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे उत्तर प्रदेश में विभिन्न न्यायालयों में जो अभी तक हमारे यहां वाद लंबित है, तो सर्वाधिक वाद जो है वो 42,379 मामले रेप और लैंगिक अपराधों से संबंधित है। 42,379 मामले बच्चों के प्रति अपराध के हैं और जो रेप के मामले हैं वो 25,749 है। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, 42,379 मामले ये बच्चों के प्रति अपराध जो हैं और 25,749 मामले जो हैं ये रेप के हैं जिनके लिए अलग से हमने आज कोर्ट बनाए हैं। इसमें हमें केंद्र सरकार से भी सहयोग मिल रहा है। इसमें केंद्र सरकार 60.40% जो व्यय आएगा उसमें केंद्र सरकार का भी केंद्रांश शामिल है, शेष राज्य का है। 40% राज्य का है, 60% केंद्रांश होगा जो भी इसमें बजट। ये अलग से अभी तो मेरे पास नहीं है लेकिन हम आपको अलग से बता सकते हैं। हमको एक कोर्ट से जानकारी लेनी होगी, विभिन्न कोर्ट से हम हाई कोर्ट से मंगा करके आपको दे देंगे। शीघ्र से शीघ्र आप देख रहे हैं कि हमने अभी उनके लिए भवन का भी निर्माण के बजाय हमने किराए पे लेने के लिए उनको तय कर दिया है और उनके पद भी सृजित कर दिए हैं, उनकी सैलरी भी तय कर दी है, उनके जो अन्य सहायक स्टाफ है उसको भी तय कर दिया। ऐसा है, आप लोग ने सुना भी होगा और पेपरों में आप लोग ने छापा भी है, कल केंद्र सरकार ने रविशंकर प्रसाद जी ने ये कहा कि महिलाओं के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगे 400। अब मैं इतना ही कह सकता हूं, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार जो देश कल सोचता है वो यूपी पहले सोच लेता है, तो अब यूपी आगे बढ़ के सोचता है फिर देश सोचता है, तो यूपी थिंक्स बिफोर द कंट्री नाउ। तो आप हो गया, जो अगला मद है वो आप लोगों को याद होएगा कि ये एक पर्यावरण की दृष्टि से यहां पर इलेक्ट्रिक बस चलाने की व्यवस्था करी गई थी और कुछ शहर भी उसमें हम लोग ने जोड़े थे और ऐसे जो शहर जोड़े थे वो 14 शहर थे, 11 राज्य सरकार के माध्यम से और 3 केंद्र सरकार उसकी योजना को चलाने के लिए। और इसके अंदर जो केंद्र सरकार की एक स्कीम है FAME II और उसमें केंद्र का जो अंश आता है जो उसमें केंद्र सपोर्ट करती है वो 45 लाख रुपीज पर बस देती है। ये बस का जो कॉस्ट है वो 1.25 करोड़ आता है और इस योजना के लिए जो शहर हम लोग ने निर्धारित किए थे वो लखनऊ, मेरठ, ऐसे बता चुके हैं मगर फिर से आप लोगों की जानकारी के लिए, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहांपुर एवं मथुरा, वृंदावन में ये एसी बसें जो है इलेक्ट्रिक बसें चलाने की के लिए हम लोग ने रखा था और वो टेंडर अब हुआ। टेंडर के माध्यम से ये जो जिनको हम लोग जिन्होंने टेंडर जीता है L1 है वो है कंपनी PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड,
ये कंसोर्टियम है, ये दिल्ली से कंपनी है, उसके साथ अनेक और पार्टनर्स हैं। पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंसोर्टियम, इसके अंदर जो बिडिंग मॉडल है वो पीपीपी मॉडल है कि राज्य सरकार को पर किलोमीटर के सबसे कम जो देना, वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है, वायबिलिटी गैप फंडिंग में राज्य सरकार का जो सबसे कम लगेगा पर किलोमीटर जो बिड आती है उसके आधार पे दिया जाता है, और भी टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं। तो उसके अंदर जो सबसे कम आया वो 62.50 रुपए पर किलोमीटर आया। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग पर किलोमीटर राज्य सरकार की तरफ से 62.50 रुपए होगी, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको सब्सिडाइज करना पड़ता है, और इसका जो पूरा इन शहरों में चलाने का जो खर्चा है वो 250 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होएगा, और इसमें जो टिकट के माध्यम से जो लिया जाएगा वो 120 करोड़ आएगा। तो 130 करोड़ की सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से आती है, जिसको वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं। ये 700 आपको पिछले दफे बताया था, ये 700 बसों का है, जिसमें 600 बसें इधर से आएंगी, 100 केंद्र सरकार की तरफ से आएंगी अलग से, जो फेम 2 उनका प्रोजेक्ट है। जो अगला विषय है इसके अंदर सीमा विस्तार का है। सीमा विस्तार में कुछ नगर निगम है, 3 नगर निगम है जिसका सीमा विस्तार हो रहा है, वो अयोध्या है, गोरखपुर है और फिरोजाबाद है। अयोध्या के अंदर जो गांव सम्मिलित हो रहे हैं वो 41 है, गोरखपुर के अंदर 31 है, नगर निगम फिरोजाबाद के अंदर एक कॉलोनी है जिसको लिया जा रहा है, वो श्रीराम कॉलोनी है 31। नगर पालिका परिषद में जो विस्तार है उसमें खाली खुशीनगर आ रहा है, जिसके अंदर भी 31 गांव हैं। फिर जो सीमा विस्तार का है, जो जिला है उसमें आजमगढ़ आता है, आजमगढ़ के अंदर जो रेंज होती है उसको रेंज के हिसाब से रेडियस बनाया जा रहा है, जिला वैसे ही विस्तार करते हैं, उसके अंदर जितने भी आएंगे उसमें आपके 2.146 वर्ग किलोमीटर का जो रेडियस होएगा, आपका एक जिला है, जिला के उस तरफ चारों तरफ 2.146 किलो, ये जो आपका वर्ग किलोमीटर होता है, स्क्वायर किलोमीटर्स, उसका विस्तार होएगा। बाराबंकी के अंदर जो है वो जो नई जमीन जो ली जा रही है वो है 662 एकड़, इसके अंदर आ रहा है। उसी प्रकार से ललितपुर है, बस्ती में इसलिए पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आने आपको प्रेस नोट इसी तरह से दे रहे हैं हम लोग, तो लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लंबा हो जाएगा काफी। ललितपुर, बस्ती, फिर नगर पंचायत है, 16 नगर पंचायत है जिनका विस्तार है, तो वो भी आपको अलग से डिटेल पूरी प्रेस नोट में आपको मिल जाएगी। तो पिछली दफे भी दिया था, तो इसलिए ये आपके सब विषय जो हैं, जो 5 से लेकर 28 तक के थे। जो अगला मद है वो आपके नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण की बिडिंग प्रक्रिया तथा उसके कंसेशनर किसको चुना गया उसके विषय में है। आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोग बताया था, 4 बिड्स आई थी,
चार जो बिड्स आई थी उसका फाइनेंशियल और टेक्निकल खोला गया था, उसका जो वेटेड एवरेज निकाला गया है, वेटेड एवरेज के आधार पर जो ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल है उसको वो L1 बने हैं। L1 का आधार ये होता है कि पर पैसेंजर आप क्या देते हैं, जो एयरपोर्ट जिस प्रकार से दिल्ली का जैसे एयरपोर्ट है GMR जीती थी, तो वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसको डायल बोलते हैं, DIAL, दिल्ली गवर्नमेंट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, इन सबका है। वैसे ही यहां पर नोएडा अथॉरिटी के साथ उसको नाइल बोलते हैं, NIAL, नोएडा इंडस्ट्रियल अथॉरिटी लिमिटेड करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी सॉरी उसको बनाया गया है। और इसके अंदर जो हाईएस्ट बिडर होएगा, जो सबसे ज्यादा पर पैसेंजर देगा, उसको ये बिड दी गई है। और इसी प्रकार से जो इनका था ₹406 जी उनको दिया गया है। इसमें आपको बोलना चाहिए फिर जो अगला मद है वो उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के उपयोगार्थ ट्रांजिट गेस्ट हाउस जो यहां पर है उसके अंदर उसका और मॉडर्नाइज किया जा रहा है, उसमें उच्च विशिष्टियां लगाई जा रही हैं, तो उसके लिए यहां पर आया था, जिसकी मूल जो है वो है 31.26 लाख है, 22 हो गया ना। हाँ तो अब तो पहले इसका जो आग्रहण किया गया था वो 31.26 लाख था, अब उसको फिर एस्टिमेट को रिवाइज करते हुए 22.22 लाख कर दिया गया है। तो ये इसके अंदर मॉड्यूलर किचन होएगा, फॉल सीलिंग अच्छी होती है, ये सब चीजें करा जाएगा। जो अगला विषय है ये जैव विविधता संरक्षण के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा हेतु, मतलब बेसिकली ये है पर्यावरण को देखते हुए कुछ पेड़ों को जो वृक्ष होते हैं उनको काटना चाहिए नहीं काटना चाहिए, इसके ऊपर नई लिस्ट बनाई गई है जिनको काटने के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। और उसके अंदर जो कुछ पेड़ लिए गए हैं उसमें आम आता है, आम के 3 क्वालिटीज ली गई है, देसी, टुकमी और कलमी, ये 3 क्वालिटी ली है, नीम है, साल है, महुआ है, ऐसे करते हुए 29 है। तो ये आपको जो प्रेस नोट होगा उसमें पूरी डिटेल्स दी जा रही है कौन कौन से हैं, तो इसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। और इसके अंदर एक और है कि अपने जो पर्यावरण विभाग है आपने 10 ऐसे, उनका प्रस्ताव था कि एक आप एक काटते हो तो 2 लगाना पड़ेगा, प्रस्ताव यह आया था, मगर मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से कहा कि नहीं ये इसको सही किया जाए, आप कहीं 10 लगाएंगे तो 1 काटेंगे, और कहीं आपके पास वो जमीन नहीं है, किसी कारण आपके पास जमीन नहीं है तो उस जमीन के लिए जो हमारे वन विभाग के पास जो जमीन होती है आप उसनी धनराशि जमा कर देंगे 10 की, फिर आप काट सकते हैं। एप्लीकेशन टोटल इसको ऑनलाइन रखा गया है, ऑनलाइन ही आप इसका पैसा भी जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन पूरी व्यवस्था है, ऑनलाइन नहीं कर पाते तो आप जा सकते हैं और फिर जमा कर सकते हैं। तो पर्यावरण की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण था, और ये नई लिस्ट है जिसको 29 ऐसे वृक्ष हैं जिनको जोड़ा गया है, तो वो आप लोगों को नई लिस्ट भी साथ में प्रेस नोट में दे देंगे। जो अगला मद है 32 जो मद है ये आप लोगों को पता है जुलाई से जो 2017 से ये GST आ गया था, GST काउंसिल में ये निर्णय नहीं हो पा रहा था कि जो अल्कोहल बनती है ह्यूमन कंजम्पशन वाली अल्कोहल बनती है उसका जो कॉन्सेंट्रेट होता है
जिसको एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बोलते हैं ENA, उसके ऊपर GST लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, उसका निर्णय बहुत दिन तक ही नहीं हो पाया। और जब नई निर्णय आया तो उन्होंने कहा कि आप राज्य सरकार अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो राज्य सरकार ने इस पर निर्णय किया है कि 5% इस पे वैट लगेगा। तो ये आज निर्णय के लिए आया था। तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल होते जिससे IMFL बनती है उस पे अब 5% वैट लगेगा। अभी तक तो कंफ्यूजन में घूम रहे थे, तो पुराना था वो तो पर वो आपको लीटर मिलता था 80 रुपीज कुछ था या ऐसे था। तो आपके जो 2017 से तो कोई निर्णय नहीं हुआ ना, वही तो बताया अभी। जब निर्णय नहीं था तो फिर जीरो था। जो अगला मद है वो शासकीय भवनों के निर्माण कार्य को किस प्रकार से अब संपादित किया जाएगा, कैसे उसके निर्णय करेंगे कि किसको दिया जाए। अभी तक जो एक प्रक्रिया चली आ रही थी, ऐसे 5 कार्यदायी संस्था थी राज्य सरकार की उसके अधीन, और शासन उस पर नामित कर देता था। उसमें जो जिस प्रक्रिया एक अपनाई जाती थी, प्लिंथ एरिया के हिसाब से एस्टिमेट बनाते थे, पूरी बिल्डिंग का नहीं बनाते थे जो भवन होता था। तो रिवाइज एस्टिमेट 2-3 दफे आते थे, उसके अंदर विशिष्टता क्या लगेंगे उसका भी नहीं एस्टिमेट बनता था। तो प्रॉपर एक DPR नहीं बना के उसकी एक दफे में कॉस्टिंग करी जाती थी। और इससे होता था, क्या होता था कि बड़ा एक टाइम जो होता था ओवररन होता था, कंपटीशन भी नहीं होता था, सही रेट भी नहीं आते थे। तो अब नई प्रक्रिया ये ली जा रही है कि 50 करोड़ के ऊपर के जितने भी भवन उत्तर प्रदेश में बनेंगे वो PWD इसका DPR बनाएगा। जो DPR बनाएगा वो बिड नहीं करेगा, PWD जब DPR बनाएगा तो उसकी ओपन बिडिंग होगी। ओपन बिडिंग के आधार पे इस पे EPC टेंडर देंगे, और इसके अंदर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कोई भी जो मानक के आधार पर प्राइवेट भी होगा वो भी बिड करके ले सकता है। तो बड़ा ये ओपन अच्छा सिस्टम करा जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द निर्माण कार्य हो, कॉस्ट ओवररन ना हो, और साथ में एक अच्छी क्वालिटी भी बिल्डिंगों की मिल सके। तो ये आज निर्णय किया गया है। ये 33 ऐसे विषय आए थे कैबिनेट में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये जो एग्रीमेंट देखिए, आपने लेटर ऑफ कंफर्ट दिया है, लेटर ऑफ कंफर्ट हम लोगों का अनुमान है कि अगले साल फरवरी तक हम कंस्ट्रक्शन पे ले आए, तो उसके पहले कर देंगे। वो तो हमारा पहले से बना, जब हमने बिड करा था। और एक चीज और बता दें, ये पहला इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर हो रहा है जिसके अंदर जो टेंडर स्पेसिफिकेशंस बनाई गई वो टेंडर स्पेसिफिकेशन आपने उसमें प्री बिड में जो भी लेना था आपने उसके ऊपर संशोधन कर लिया, मगर उसके बाद आपको एक भी संशोधन टेक्निकल क्वालिफिकेशन या फाइनेंशियल बिडिंग प्रोसेस में नहीं किया। और इसको नीति आयोग हर जगह इसकी प्रशंसा हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये इंटरनेशनल बिडिंग के जो पैरामीटर उत्तर प्रदेश ने बनाए इसको एक प्रकार से अब एक स्टैंडर्ड बनाया जाए, एक बुक रूल जो बाइबल कहते हैं बिडिंग का वो करा जाए। इसमें लैंड देखिए, जब आपका ये प्रावधान है कि इफ इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते, छोटे नहीं, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में आपने 80% 85% लैंड एक्वायर नहीं करी तो आप बिड नहीं कर सकते, तो इसके मतलब ये प्रक्रिया पहले ही हो चुकी थी। आप चिंता नहीं करिए, उसके लिए हम लोग ध्यान देंगे। अखबारी कागज, मैं अभी इसका जवाब नहीं, आपने कहीं अपील करी होगी विभाग को।
या मुख्यमंत्री को, उसका तो मैं तो जो निर्णय होएगा प्रवक्ता के रूप में वही जवाब दूंगा।